करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं, और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज से, पेटीएम एम्स टू रेज 1.6 बिलियन थ्रू फ्रेश इशू इन आईपीओ। तो इसके अंदर पहले ये बोल रहे थे कि 3 बिलियन इशू करेंगे, अभी बोल रहे हैं कि 1.6 बिलियन ही इशू करेंगे। तो इसके अंदर एक और न्यूज कर लेते हैं, नोट सेंट टू शेयर होल्डर्स अहेड ऑफ ईजीएम ऑन जुलाई 12। तो ईजीएम, अपने ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक आपने सुना होगा एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम आपने सुना होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, कंपलसरी इवेंट होता है, कंपनी को ये ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके अंदर सभी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं और अपनी एनुअल रिपोर्ट कंपनी इसी के अंदर प्रेजेंट करती है, या कुछ डिसीजन कंपनी ने लिया हो तो वो सबको शेयर होल्डर्स को इसी मीटिंग के अंदर बताते हैं। तो ये सब जो है इवेंट्स इसके अंदर होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये जुलाई 12 को बुलाएगा पेटीएम, क्यों? क्योंकि अपने आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि एक और न्यूज इसके अंदर मेजर है, फाउंडर मेजर शिखर शर्मा टू शेड प्रमोटर टैक्स टू कम्प्लाई विद सेबी रूल्स। तो विजय शेखर शर्मा को पता ही, प्रमोटर फाउंडर और जो आपके मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो है विजय शेखर शर्मा पेटीएम के। तो इसके अपना पेटीएम टैग प्रमोटर टैग छोड़ देंगे, बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है ज्वाइन कर लेंगे या फिर कोई चेयरमैन वगैरह ऐसी कोई पोस्ट को संभालेंगे, और शेयर होल्डर तो ये रहेंगे। तो प्रमोटर टैग जो है इनका हट जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, ताकि जो पूरी कंपनी है वो अभी तक माना जाता है कि विजय शेखर शर्मा सेल्फ कंट्रोल करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खुद से कंट्रोल करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट पार्ट को। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि अब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी का टैग मिल जाए उनको, पेटीएम की कंपनी को, ताकि उनकी जो पब्लिक रेपुटेशन है वो बढ़ जाए। तो इसीलिए पेटीएम के जो ओनर है वो अपनी इसी पोजिशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज थी। इसके अंदर ये भी बोला जा रहा है कि प्री आईपीओ फंड रेज भी हो सकता है, ये भी कुछ बोला, ये कोई कंफर्म नहीं है, कुड भी है, कुड भी ऑन द कार्ड्स, मतलब कि यह हो जा सकता है। तो ये अगर होता है तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, कवर भी करूंगा। तो इसके अंदर आप एक और शेयर होल्डर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं 197 का। इसके अंदर एएनटी ग्रुप होल्ड करते हैं 30%, 7.5%, और इस तरह से जैसे विजय शेखर शर्मा होल्ड करते हैं 15% ऑलमोस्ट, ऐसे जो है पूरा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर। तो अब न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर अंडरलाइंग है, पेटीएम डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन वेदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल सेल देयर शेयर्स। तो इसके अंदर ओएफएस से रिलेटेड ये बात चल रही है, ऑफर फॉर सेल। तो इसके अंदर मतलब होता है, मैं आपको एक इसको डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी का जब आईपीओ हिट करने वाली है, तो आईपीओ से तो क्या होगा कि कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो जाएगी, तो उससे पहले भी कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हो गई। तो लेट सपोज एक कंपनी है, उसके चार शेयर होल्डर्स है, उसका एक माइनॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है 20% होल्ड करता है। तो लेट सपोज ये शेयर होल्डर है ए, और ये होल्ड करता है 20% इन द कंपनी। तो अगर लेट सपोज कंपनी हिट करती है आईपीओ, आईपीओ रेज करना चाह रही कंपनी, तो क्या होगा कि वो अपने 20% शेयर को, अगर उसे जरूरत है पैसे की, तो वो क्या करेगा, 20% को इस आईपीओ के अंदर इंक्लूड कर देगा। लेट सपोज ये 20% की वैल्यू है टोटल 10 लाख। तो आईपीओ लेट सपोज पहले था 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ में 10 लाख का ऐड हो जाएगा, और जो इसके शेयर से, जो पर्सन ए के शेयर से, वो भी पूरी पब्लिक के अंदर डील हो जाएंगे। तो ये होता है एग्जिट लेने का मैकेनिज्म, ए ने इस कंपनी के अंदर से शेयर होल्डर से एग्जिट ले लिया। तो इसके अंदर क्या है कि जो जनरली आईपीओ के अंदर, जनरली मतलब है 99% आईपीओ के अंदर, कुछ ना कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर या कोई छोटा पार्ट हो, जैसे कि अगर ये 20% है तो अपना 10% ये जो है डाइल्यूट कर दे, अपना एग्जिट ले ले, तो 10% या इतना कुछ एग्जिट करते ही करते हैं हर आईपीओ के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन किया कि नहीं गया है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो सेल करेगा, कौन से शेयर होल्डर, ये वाले जो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज है वो कवर्ड है, आगे चलते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर, एमपीसी नीड बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेप्स फॉर रिकवरी। तो एमपीसी सबसे पहले बात कर लेते हैं, एमपीसी का मतलब है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये कमेटी है जो बजट के लिए कुछ, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है बेसिकली, उसके लिए कुछ जो सजेशन है वो प्रेजेंट करते हैं, अगर आ जाती है तो उसके बाद एनालाइज करते हैं, कुछ फोरकास्ट निकालते हैं एक्सेट्रा। तो ये कमेटी है एक्सपर्ट्स की, इन्होंने बोला है कि अकोमोडेटिव स्टांस होना चाहिए। अकोमोडेटिव स्टांस मैंने आपको कल वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको अभी भी चाहिए तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, चाहे आप न्यूज ना देखें बाकी, पर आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टांस तीन चार तरह के होते हैं, उसके अंदर एक है अकोमोडेटिव। इसके अंदर होता है कि गवर्नर यानी कि जो पॉलिसी मेकर है वो चाह रहा है कि स्पेंडिंग बढ़ जाए, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे, जैसे कि ब्रिजेस बनवाए, आपके हाईवेज बनवाए, रोड्स बनवाए, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन हो एक्सेट्रा। तो उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, उससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी पंप होती है। लेट सपोज जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कोई बिल्डिंग परचेज की 10 लाख रुपीज की, किसी भी पर्पज के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट का ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 लाख रुपीज की परचेज करी, तो उसको किसी रियल एस्टेट एजेंट से परचेज किया होगा, तो वो तो एक प्राइवेट प्लेयर है बेसिकली इकोनॉमी के अंदर है। तो बेसिकली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास तो सब मनी है क्योंकि वो तो जो है मनी प्रिंट करती है, तो गवर्नमेंट से मनी 10 लाख रुपीज इकोनॉमी के अंदर चले गया। तो जितना मनी इकोनॉमी के अंदर जाता है उतना ये जिसका ओपिनियन अकोमोडेटिव स्टांस वाला होता है वो बिलीव करते हैं कि इतनी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। तो एमपीसी ने बोला है कि अकोमोडेटिव स्टांस पे फोकस करना चाहिए, स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। और ये क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट कैसा रहना चाहिए, टैक्स रेट कैसा रहना चाहिए एक्सेट्रा।
तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो सेंट्रल बैंक बनाए, सेंट्रल बैंक आपको होता है आरबीआई, आरबीआई बनाए वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि सप्लाई साइड से मेजर लिए जाने चाहिए, क्योंकि डिमांड साइड ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि डिमांड साइड अभी भी सही चल रही है। तो ये बोल रहे हैं सप्लाई साइड की वजह से कुछ प्राइसेस, जैसे कि फ्यूल के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस, पल्सेस के प्राइसेस, अगर आपने देखा हो जो कंज्यूमर का ऑयल है और जो पूरी मतलब जो रिफाइंड वगैरह इंडस्ट्री है उसके अंदर काफी ज्यादा प्राइसेस हाई चल रहे हैं। तो ये क्यों चल रहे हैं, इन्होंने बोला सप्लाई साइड की वजह से कि सप्लाई कम चल रही है अभी, तो ये क्या हो रहा है इसी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये रविशंकर प्रसाद सॉरी श्रीकांता दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, इन्होंने बोला है कि सप्लाई साइड से मेजर लिए जाने चाहिए। तो ये पूरी मैंने आपको न्यूज बता दी है। इसके अंदर एक और छोटा सा पॉइंट है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो ये जो मेजर्स हैं, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज डिमांड ज्यादा चल रही है इकोनॉमी के अंदर, कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास पैसे आ गए कहीं से और वो डिमांड कर ही जा रहे हैं, बार बार ज्यादा ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर अनसेटलिंग सी कंडीशन हो रखी है। तो क्या क्या मेजर ले सकती है इन पॉलिसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, तो उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इसके अंदर लेट सपोज जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट बढ़ा देती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि टैक्स रेट पहले तो बढ़ने से इनकम टैक्स बढ़ेगा, तो जो कंज्यूमर की इनकम है वही कम हो जाएगी, तो वो कम डिमांड करेंगे। दूसरी बात, टैक्स रेट बढ़ने से, जीएसटी बढ़ने से कंज्यूमर को गुड महंगा मिलेगा, तो वैसे भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों इंपैक्ट्स इसके ऊपर पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे ये जो यहाँ पे सब मेजर वगैरह की बात चल रही है, तो कैसे ये कर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये एग्जाम्पल वगैरह नहीं डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है यार ये कर्व कर कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर सकता है इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए यूपी कॉप से समन ट्विटर इंडिया एमडी, तो ट्विटर इंडिया कंपनी है बेसिकली, हर कंपनी जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ट्विटर कैलिफोर्निया के अंदर रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये रजिस्टर्ड है, तो ये वहां की कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंगली वहां पर रजिस्टर्ड है। तो अब इनको अगर लेट सपोज इंडिया के अंदर अपना बिजनेस लाना है, अपना ऐप लेके आना है, तो इनको ट्विटर इंडिया एक कंपनी खोलनी पड़ेगी, ताकि ये इंडिया के कंपनी लॉ से कंप्लाई कर सके, यानी कि उससे बेसिकली अप्लाई कर सके, ताकि वो यहाँ पे अपना लॉन्च कर सके। तो अब क्या हुआ है कि ट्विटर इंडिया, मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि इंडिया यहाँ पे क्यों बोला गया, तो उसके एमडी एमडी है उसके मनीष महेश्वरी, तो इनको नोटिस आया कि उनको गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में 7 डेज के अंदर अंदर पहुंचना है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने समन यही बहुत यही बात है समन की आना है आपको। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ट्विटर ने कुछ टाइम पहले एक एल्डर पीपल के ऊपर शूटिंग हो रही थी, तो उसकी एक जो वीडियो है वो ट्विटर के ऊपर वायरल हो गई, और जो यूपी की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि इस वीडियो को टेक डाउन कर लो, बैन कर दो, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। तो इसी की वजह से, इसी से रिलेटेड कुछ बात डिस्कस करने मनीष महेश्वरी को आना पड़ेगा जो यूपी का पुलिस स्टेशन है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि ट्विटर ओन करता है फेसबुक, तो फेसबुक के ऊपर कुछ चार्जेस लग सकते हैं, और कुछ जो इनके ऊपर आपका स्टॉक प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये हमने पूरी कवर कर लिया। इसके आगे चलते हैं, टेक कंपनीज लॉबी फॉर चेंज इन आईटी रूल्स। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि टेक कंपनीज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो इनके लिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ कि न्यू आईटी रूल्स आए थे, उनको मई 26 तक कंप्लाई करना था। कुछ जो कंपनी है उन्होंने अभी तक कंप्लाई नहीं किया, जैसे ट्विटर, अब मैंने न्यूज के अंदर भी यही है। तो ये क्या है कि काफी कंपनीज ने कर लिया, जैसे गूगल ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने। तो अब हालांकि इन्होंने कंप्लाई कर लिया है, बट इन्होंने कुछ क्लॉजेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया क्रिमिनल लाइबिलिटी क्लॉज, और व्हाट्सएप ने किया सेंडर के क्लॉज के ऊपर, तो ये दोनों क्लॉजेस के ऊपर बेसिकली काफी ज्यादा हैसल चल रहा है। बेसिकली लॉबी का मतलब यहाँ पे कोर्ट, ये कोर्ट जा रहे हैं, बार बार केसेस कर रहे हैं अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, टेक कंपनीज हैं ये। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्लॉज मैंने आपको कल काफी डिटेल में बताया था, हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो लेट्स, जो हमारे नए आईटी रूल्स हैं उसके बेसिस पे कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है। तो इसके अंदर क्या है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्लॉज है उसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर जो हायर पोस्ट पे पीपल है, जो हायर पोस्ट पे जैसे एमडी हो गया, कोई सीए हो गया, कोई एक्सेट्रा, ऐसे जो हायर पोस्ट पे लोग हैं, उन वो कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व निकलते हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लायंस ऑफिसर के थ्रू की जा सकती है। बहुत ही मतलब कंप्लायंस ऑफिसर के लिए बेसिकली थ्रेट की बात है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। एसयूवीज रूल द रोड्स विद 48.5% मार्केट शेयर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑटो सेल्स से रिलेटेड ही न्यूज है, ऑटो सेल्स। तो इसके अंदर क्या है कि एसयूवीज का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट क्या है। तो पास्ट के अंदर 2015 के अंदर 9% ऑफ द टोटल ऑटो सेल्स एसयूवीज का होता था, उसके अंदर भी जैसे क्रेटा और वेन्यू जैसे एसयूवीज का ज्यादा रहता था। तो उसके अंदर अब ये बढ़ करके 48.5% बढ़ चुका है, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि एसयूवीज का माना जाता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह पूरी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ वगैरह इन्हीं से होती है। तो अब एक और न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 500,000 यूनिट सोल्ड कर चुके हैं 2021 के अंदर, बेसिकली 5 मंथ्स के अंदर अंदर, और 7,07,000 यूनिट सेल करी थी एज कम्पेयर टू 2020 के अंदर, पूरे 12 महीने के अंदर 2020 के अंदर 7 लाख यूनिट सोल्ड हुई थी, और 500,000 यानी कि 5 लाख के करीब करीब इन 5 महीनों के अंदर ही सेल हो चुकी है। तो ये पूरी न्यूज थी, इसके अंदर हमने कवर कर लिया है। एज कोविड नंबर्स फॉल, इंडिया कैचेज द ट्रैवल बैग।
बग सॉरी, तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री इंक्रीज कर रही है ऐसे कोविड फॉल कर रहे हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया, जैसे होटल बुकिंग सर्ज 3-4, होटल बुकिंग 3-4 बढ़ चुकी है फर्स्ट वीक के अंदर अंदर जब कोविड की रिस्ट्रिक्शन ईज हुई बढ़ घटी। तो ये बहुत ही बेसिक सी न्यूज है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको आगे न्यूज को डिटेल में पढ़ना है तो आप इस न्यूज को पढ़ेंगे जो पेटीएम से रिलेटेड न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये पेज नंबर 6 पे मैंने मार्क करा हुआ है, इसके अंदर डिटेल में है, तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो हमने पूरा दो फर्स्ट पेज है वो कवर कर लिया है। इसके बाद पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं होती है, सिर्फ पॉलिटिक्स बेस्ड इसके अंदर न्यूज होती है। तो मैं बोलूंगा कि आप इसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके दो पेजेस डेली बेसिस पे आते हैं तो हम उनको स्किप करते हैं। तो आगे चलते हैं कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, विप्रो टू हाइक पे ऑफ 80% एलिजिबल स्टाफ इन सेप्टेंबर। तो सेप्टेंबर के अंदर विप्रो आपको पता ही है आईटी जायंट है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, वैसी एक विप्रो कंपनी है। ये हाइक करेंगे, बढ़ाएंगे अपना पे सैलरी वगैरह 80% ऑफ द एलिजिबल स्टाफ की, 80% अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ाएंगे सेप्टेंबर के अंदर। इन्होंने एक और बात करी है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफशोर स्टाफ, ऑफशोर का मतलब है अब्रॉड का स्टाफ, उनकी सैलरी बढ़ेगी हाई सिंगल डिजिट से। हाई सिंगल डिजिट का मतलब, सिंगल डिजिट का मतलब होता है 1 to 9, आपको सबको पता ही है। तो हाई सिंगल डिजिट हुई इसके अंदर 3, 7, 8 और 9, ऐसी ही होती है। मीडियम सिंगल डिजिट मैंने आपको बताया 4, 5, 6, और ऐसी होती है लो सिंगल डिजिट, मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 2, 3। तो ये होती है, अब जो ऑफशोर स्टाफ है बेसिकली अब्रॉड वाला जो पीपल है, इनके पर्सोनल है, उनकी सैलरी बढ़ाएंगे 7 से 9% तक। और आगे चले तो जो ऑन साइट वंस है बेसिकली जो कंपनी कंट्री के अंदर काम करते हैं, वो 4 to 6% उनका भी सैलरी इंक्रीज होगा। तो ये हमने पूरी न्यूज को डिस्कस कर लिया, इससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इनके स्टॉक के ऊपर। और मतलब एज कम्पेयर टू आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे मार्केट आपको पता है क्लोज रहती है, तो मंडे के ऊपर अगर ये कंटिन्यू रहता है और एक आधे जो मतलब रिपोर्ट्स आ जाती है कि सैलरी सही में बढ़ी है, मतलब सेप्टेम्बर में बढ़ने वाली है, तो काफी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है विप्रो के स्टॉक के ऊपर। तो ग्रोफर्स को फाउंडर कुमार एग्जिट फॉर्म, इसके अंदर ग्रोफर्स के को फाउंडर है यहाँ पे सौरभ कुमार, ये एग्जिट ले रहे हैं फॉर्म के अंदर से। ये बेसिकली अब तक को फाउंडर की प्लेस पे थे, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, तो अब ये इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और बोर्ड मेंबर की तरह कंटिन्यू करेंगे, और ये शेयर होल्डर तो बेसिकली रहेंगे कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर तो अभी भी है। तो ये मैंने आपको पूरी न्यूज डिस्कस कर लिया, इसके अंदर कोई शेयर के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ग्रोफर्स कंपनी लिस्टेड है नहीं, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। तो एनसीबी आस्क्स वजीरेक्स फॉर इन्फो ऑन एलिजेड ड्रग डीलर ऑन इट्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। तो एनसीबी का मतलब है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके अंदर सबसे मैंने आपको बताया, तो आप बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं जो ड्रग के जो भी एक्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको जो है इन्फोर्स करती है। बेसिकली अगर कुछ ड्रग डीलर है कोई, तो उसको कम पकड़ के लाना या फिर अरेस्ट करना वगैरह, तो ये एनसीबी का काम होता है। तो इसके अंदर एनसीबी ने अलेज किया वजीरेक्स को कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ड्रग डीलर काम कर रहे हैं और उनका नाम इन्होंने बताया क्रिप्टो किंग, और वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया कि उसकी इन्फो दो हमें, क्योंकि सीधी सी बात है अगर वजीरेक्स पे उसने अपना अकाउंट बनाया तो काफी सारी इन्फो उनके पास होगी, तो वो उन्होंने बोला है। आगे देखे तो इन्होंने एक इस न्यूज को कनेक्ट किया है ईडी वाली न्यूज के साथ, मैंने आपको जब आई थी तब कवर किया था। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वजीरेक्स को अक्यूज किया है कि ऐसे ही एक और इससे कनेक्ट बना के देखें तो एक और ट्रांजेक्शन इनके ऊपर हो रही है और टोटल उसकी वर्थ है 2790 करोड़। इतनी ट्रांजेक्शन इनके ऊपर हो चुकी है इस फार्म के अंदर, वजीरेक्स के अंदर, ये बेसिकली क्रिप्टो का एक्सचेंज है। तो वजीरेक्स के ऊपर इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है 2790 करोड़ की, जिनका उनके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, ये मांगी है उनसे डिटेल कि कौन कर रहा है भाई ट्रांजेक्शन, कि कहां से कहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांसफर की जा रही है। तो मैंने आपको पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया, इन दोनों बेसिस को न्यूज को बेसिकली कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है मीडिया वगैरह के अंदर कि ये बेसिकली जो ड्रग डीलर है उसी की ट्रांजेक्शन है। बट अभी कोई इसके ऊपर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम रील्स नाउ हैज एड्स। तो इंस्टाग्राम रील्स आपको पता ही, एक न्यू फीचर ऐड किया इंस्टाग्राम ने कि शॉर्ट वीडियोस हैं जैसे टिकटॉक बेसिकली उसकी तरह, इंस्टाग्राम रील्स उसके अंदर रहती हैं। तो अब एक सक्सेसफुल ट्रायल करेंगे, टेस्ट करेंगे कुछ कंट्रीज के अंदर कि अगर वो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर एड्स डालते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है पब्लिक का, फिर वो ग्लोबली लॉन्च कर देंगे उसको। तो ये छोटी सी न्यूज थी हालांकि, पर मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया इसको। तो ये यहाँ पे एक बेसिकली कोविड-19 का पूरा न्यूज पेपर रहता है, इसके अंदर कोविड केसेस से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड और वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड पूरी न्यूज रहती है। इसको आपको लाइफ प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और आपको बाकी न्यूज ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो ईटी मार्केट सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, अपनी फाइनेंस से रिलेटेड अपनी और नॉलेज को डीपेंड करना, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। इंडियन करेंसी इन द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द जून आफ्टर कोरियन वॉन। तो इसके अंदर इंडिया की करेंसी ने सेकंड वर्स्ट, मैंने बहुत ही बुरी तरह परफॉर्म किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सेकंड वर्स्ट परफॉर्म किया है जून के अंदर आफ्टर कोरियन वॉन। ये मतलब बेसिकली वर्स्ट इंडेक्स के अंदर हम देखें तो फर्स्ट पे, यानी कि सबसे वर्स्ट पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी ग्लोबली कोरियन के वॉन ने कंप्लेन किया है और बेसिकली परफॉर्म किया है, और इंडिया के रुपी ने उससे भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है। तो रुपी टर्न्स वोलाटाइल ऑन फेड पेपर प्लान राइजिंग ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फेडरल पॉलिसी हॉकिश की तरह की आई है कि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उसकी वजह से रुपी है वो वोलाटाइल हो गया, बेसिकली फ्लक्चुएट ज्यादा कर रहा है, चेंज ज्यादा कर रहा है।
तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया। और इसके अंदर उन्होंने कुछ डेटा सपोर्ट किया कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग डॉलर का, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और हायर क्रूड ऑयल का। क्रूड बेसिकली एक ऑयल के अंदर एक इंडेक्स चलता है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का क्रूड ऑयल है, और इसकी जो ब्रेंट वैल्यू है मतलब ब्रेंट से इसकी काफी अच्छी वैल्यू है। तो इसके अंदर इन दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर इन दोनों बातों की वजह से जो डॉलर है ये सॉरी जो रुपी है वो और ज्यादा वीकेंड होता जा रहा है। तो इसके अंदर एक और उन्होंने पॉजिटिव न्यूज बताई है, इसके अंदर क्या है कि जो नए आईपीओ लॉन्च हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 4 आईपीओ रिसेंटली क्लोज हुए हैं, श्याम मेटेलिक्स ऐसे ऐसे करके, दूधला डेयरी और आपके केम्स से रिलेटेड ऐसे 4 आईपीओ जो है लॉन्च हुए हैं। इसकी वजह से कुछ लॉसेज इरेज हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो उसकी वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ती है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ सारा। केरला आर्म्स सेल 5.1% SBI कार्ड्स 241 करोड़। तो केरला आर्म्स मैंने आपको कल भी बताया था, कल की बेसिकली पूरी न्यूज है। इसके अंदर केरला आर्म्स के अंदर एक इनका पार्टनर है, मैं आपको बता दूं, रोवर होल्डिंग्स, केरला आर्म CA रोवर होल्डिंग्स, तो ये कंपनी है। इन्होंने ये कल भी प्रेजेंट किया था कि अपना 5.1% शेयर सेल कर देंगे SBI कार्ड्स के अंदर। ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड, जो ऑनलाइन पेमेंट है उनसे रिलेटेड जो इनका सेगमेंट है SBI का, उसके अंदर डील करते हैं। तो अपना इनका 5.1% ये शेयर जो सेल कर देंगे, और अब इनका शेयर इन्होंने सेल कर दिया है, 6.51% इनका बचा है। और ये अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल किया तो लिया किसने, तो ये लिया है मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने। तो ये आपने कंपनी सुनी होगी, IT जाइंट्स है दोनों कंपनी। तो मॉर्गन स्टैनली के जो बैंक वाली ब्रांच है उन्होंने ये बाय किया है, तो मॉर्गन स्टैनली एशिया ने। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी न्यूज डिस्कस कर लिया और आगे चलते हैं इसको। तो इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट वाली न्यूज है इसके अंदर कि SBI कार्ड्स और पेमेंट के शेयर 4.3% से कल डिक्रीज हुए, और SBI ओवरऑल कंपनी के शेयर इसी वजह से कल लूजर्स के अंदर आ गए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी पेज के अंदर। तो ये पूरी न्यूज इसके अंदर कवर हो चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको वो वाली न्यूज बताता हूँ। इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था SBI, SBI का जो मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट रिसेंटली कि इनके वजह से कल पूरे शेयर्स इनके बढ़ गए हैं, तो सॉरी घट गए हैं। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ क्या है, इनकी न्यूज़ ये है कि वीकली को किस कंपनी ने गेन किया है और किस कंपनी ने लूज किया है। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ इन्होंने डिस्कस कर रखी है। वीकली गेनर्स के कुछ नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा, और लूजर्स इन्होंने कुछ बताया जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, SBI हो गया, NTPC हो गया, ये वाले। तो लूजर्स को कई जगह लगार्ड्स भी लिखा होता है, मैंने आपको कल भी बताया था लगार्ड्स पूरी स्पेलिंग होती है LAGGARDS, तो कई जगह ये भी लिखा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना करें, ये एक ही बात है। तो हमने पूरा इसके अंदर बता दिया, दूधला डेयरी केम्स IPO सेल थ्रू। तो बेसिकली बताया हुआ आईपीओ की कुछ रिपोर्ट है कि कैसे कैसे दूधला डेयरी और केम्स के आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया, और दूधला डेयरी का आईपीओ तो बहुत ही ज्यादा 45 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। कि लेट्स सपोज अगर 100 रुपीज का था तो 4500 रुपीज लोगों ने इसके अंदर लगाए हैं, तो ये बेसिकली काफी अच्छी बात होती है। इतनी अगर कोई कंपनी की वर्थ होती है तो काफी इकोनॉमिकली अच्छा है। तो केम्स के ऊपर 45%, 45 टाइम्स, और दूधला डेयरी के अंदर इस ये है वैल्यू है 3.9 टाइम्स। तो ये पूरी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। 3.9 टाइम्स बेसिकली एक एवरेज सी वैल्यू है कि अगर आपने 300 रुपीज का आईपीओ निकाला है तो 309 रुपये आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लोग, तो एक नॉर्मल सी वैल्यू, क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक का बहुत ज्यादा बूम चल रहा है स्टॉक मार्केट का, तो उसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। तो आगे चलते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, इसके अंदर GST वेवर कर दिया गया है फूड सर्व्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे मैं तो अभी ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक भी क्यों लगता था GST, बट अब ये काफी अच्छी बात हुई है कि अब जो फूड सर्व किया जाता है जो जैसे स्कूल्स है उसके अंदर मिड डे मील स्कीम चलती है, अब एक साल से तो आप मान सकते हैं कि चल भी नहीं रही है, बट फिर भी GST पे करना पड़ता है स्कूल्स को, तो अभी हटा दिया गया है और अब नहीं पे करना पड़ता। तो इसके अंदर ये पूरी न्यूज थी। और CBIC ने एक और अच्छा काम किया है कि जो लोन्स लिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट लोन लेती है बैंक से, और ताकि इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो मिड डे मील स्कीम्स है एक्सेट्रा इन सब के ऊपर स्पेंड कर सके, वो भी अब एग्जेम्प्ट रहेगी GST से, विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो ये काफी अच्छी बात है, और ये ऐसी न्यूज के अंदर आपको जो जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर आगे चलें तो एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर बियरर ऑफ अनप्लेजेंट टाइडिंग्स, ये इंद्रजीत हजरा का जो एडिटोरियल है, ऐसी दो एडिटोरियल इसके अंदर है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट इसके अंदर जो एडिटोरियल है मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ये आपको यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप बेसिक ये एडिटोरियल होते हैं, इसको आप पढ़ें खुद जितना आपको समझना है, और आप यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं, आपको कुछ अच्छा कॉन्टेंट इसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन होता है, इसके अंदर पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, इसको भी हम सीधी बात स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारा पूरा न्यूज़पेपर कवर्ड है, सैटरडे सैटरडे स्पेसिफिक ये न्यूज़ आती है, इसके अंदर नाम में लिखा है स्पोर्ट्स और सैटरडे फीचर, ये सोशल ट्रेंड्स और स्पोर्ट्स इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड ये पूरा जो पूरा पेज होता है। तो ये हम स्किप करते हैं पूरा का पूरा, और दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर वो कवर्ड है। और इसके अंदर मैं जो कि PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर क्या है कि हम डिस्कशन करते रहते हैं। कल भी मैंने आपको IPO सीजन से रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस की थी, एक मतलब पर्सन थे उसके अंदर मेंबर थे, उन्होंने कुछ क्वेरी अपनी प्रेजेंट की थी अपनी जो कल का जो एनालिसिस वीडियो था उससे रिलेटेड, तो मैंने उनको जो है उसके अंदर ही क्लेरिफाई कर दिया था डिटेल में। तो उसके अंदर क्या कि आपको ये सब जो फैसिलिटी है वो मिलती है। दूसरी बात, जो आपको PDF डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलती है तो कई बार वो लिंक चलता भी नहीं है, और अटा 1 पीस अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।